हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल ईजीएस। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं ग्राफक्यूएल की, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर यहाँ तक कवर किया था नोड जेएस के अंदर एपीआई किस तरीके से बनाते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। आज की वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं, थोड़ा सा इसी चीज़ को एडवांस लेके जाएंगे कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पे केवल यूजर्स के लिए आपने बोला था, तो अभी यूजर के लिए निकालेंगे कि अगर सिंगल यूजर का अगर अपन को डिटेल के अंदर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन उसके पहले एक नए कॉन्सेप्ट से आपसे मिलाता हूँ। यहाँ पे जो आपने नेशनलिटी किया था ना, इसको अपन थोड़ा चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे इसको? जो ईनम का कॉन्सेप्ट होता है ना, उस ईनम के कॉन्सेप्ट का भी समझने का समय आ चुका है। तो ईनम का कॉन्सेप्ट किस तरीके से ग्राफक्यूएल के अंदर अप्लाई होता है उसको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे अपने डेटा वाले के अंदर फाइल के अंदर जाओगे और नेशनैलिटी के अंदर आप जाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया है, चाइना है, और इंडिया है, फिर से ब्राजील है, इसके बाद अपना जर्मनी है, चील है, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की नेशनलिटी यहाँ पे दी हुई है। अब टाइप डेफ के अंदर इनम किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? इनम को डिफाइन करना बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इनम कीवर्ड लिखना है, इसके बाद जिस कीवर्ड आपको अप्लाई करना है वो लिखना है। मतलब ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे नेशनलिटी दे दिया है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई भी यहाँ पे नाम पास कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कि केवल इंडिया होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, और इसके बाद अपना जर्मनी होना चाहिए, उसके बाद अपना नेपाल होना चाहिए, और इसके बाद अपना क्या होना चाहिए, जापान होना चाहिए। और इस तरीके से आपने पांच कर दिया। अब इसमें से आपने डेटा के अंदर देखा था कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैच नहीं खा रही हैं, है ना। और यहाँ पे टाइप डेफ के अंदर आपने इस तरीके से नेशनैलिटी को डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग की जगह इस नेशनैलिटी को अगर मैं पास कर देता हूँ, इसके बाद अगर मैं अपने यहाँ पे जाऊँगा इस जगह पे, और यहाँ पे मैं यूजर्स को लेने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ क्वेरी, और यहाँ पे गेट यूजर्स नाम से यहाँ पे इस तरीके से दिया, और यूजर्स नाम से मैंने यहाँ पे क्वेरी दे दी। ठीक है, अब इस जगह पे मैं क्या चाहता हूँ, उसकी नेशनैलिटी चाहता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे नेशनैलिटी दूंगा, तो आप यहाँ पे देखना यहाँ पे एरर आ जाएगी। यहाँ पे एरर आएगी, इनम कैन नॉट नेशनैलिटी रिप्रेजेंट वैल्यू चाइना, क्योंकि चाइना जो है आपने पास ही नहीं किया है वहाँ पे, इनम के अंदर पास नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनम का मतलब ये हो गया कि नेशनैलिटी के अंदर अब केवल इतनी जो आपने वैल्यू इस जगह पे पास की है, केवल इस जगह पे जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू नेशनैलिटी नाम के वेरिएबल के अंदर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई और हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से खाली छोड़ दूँ, इस तरीके से, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसके बाद मैं चलाता हूँ, तब भी आप देखो एरर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने, मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आपने यहाँ पे इसको कंपलसरी किया है या नहीं किया है, यहाँ पे मैटर ये करता है कि मैं इनम कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, और इनम कीवर्ड के अंदर केवल इन चीज़ों का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, केवल इतनी ही चीज़ें मेरे पास आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और होगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अपने को जो वैलिडेशन है ना, वो वैलिडेशन अपनी बेहतर हो जाती है इनम की मदद से। ये चीज़ आप जनरली उस जगह पे यूज होती है कि जब आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जिसको आप किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर अपनी ओपन करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि केवल इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, नेपाल और जापान के अंदर खुले, इसके अलावा कहीं भी और ना खुले अपनी वेबसाइट, तो उस जगह पर आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ, यहाँ पे चाइना है और इंडिया है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, चीले है, तो इसी चीज़ को सेट कर देते हैं। चाइना यहाँ पे पाकिस्तान की जगह मैं चाइना कर देता हूँ, चाइना, और इसके बाद अपना जर्मनी है, नेपाल है, नेपाल की जगह मैं यहाँ पे ब्राज़ील, और यहाँ पे जापान की जगह पे चील। तो अब अगर मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा, तो अभी आप देखो नेशनैलिटी इंडिया, चाइना, इंडिया, जर्मनी, चील सारी मिल चुकी हैं। तो वो नेशनैलिटी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, कुछ भी उसके अंदर एक भी जो वर्ड है वो वर्ड भी अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप नेम निकाल सकते हो, एज वो तो आपको पिछली वीडियो के अंदर ही मैंने बताया था, इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपना इनम का जो कॉन्सेप्ट था वो आपने समझ लिया कि इस तरीके से इनम को अप्लाई किया जा सकता है। अब जो डाटा के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को थोड़ा सा उस समय इग्नोर करने के लिए बोला था, ये फ्रेंड्स नाम से,
ये फ्रेंड्स नाम से यहाँ पे क्या है और किस तरीके से है? जैसे मुस्कान, यहाँ पे जो शिवम नाम का लड़का है उसकी दो फ्रेंड है, एक मुस्कान नाम की फ्रेंड है, एक श्रुति नाम की फ्रेंड है। तो इस मुस्कान और श्रुति नाम की फ्रेंड्स का क्या मतलब हुआ? अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इस टाइप डेफ यहाँ पे अगर मैं जाके अगर मैं फ्रेंड्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं यहाँ पे देखो फ्रेंड्स वो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आपने वहां पे पास नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे स्कीमा बनाया है ना, यूजर नाम का जो स्कीमा बनाया, इस जगह पे मुझे उस चीज को पास करना पड़ेगा। किस तरीके से? मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फ्रेंड्स लिखूंगा और यहाँ पे फ्रेंड्स बोलूंगा कि फ्रेंड्स जो है वो यूजर हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। अब लेकिन इसको आप कंपलसरी नहीं कर सकते ना कि अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो आप मतलब यूजर नहीं हो, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आप यूजर के पास फ्रेंड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर नॉन कंपलसरी कंडीशन बना के पास कर दिया, लेकिन इस जगह पे अंदर कर सकते हो कि अगर आपका कोई फ्रेंड्स है तो उसका यूजर होना कंपलसरी है। तो आपने इस तरीके से बता दिया कि यूजर की ये पूरी डिटेल होना उसके पास कंपलसरी है। तो इसी चीज़ को आपने अप्लाई किया। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस से और मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ये देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अंदर से क्या निकालना है मुझे, निकालना है आईडी, इसके बाद मुझे उसका नेम निकालना है, उसके बाद मुझे उसकी नेशनैलिटी निकालनी है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर करूंगा क्लिक तो आप यहाँ पे देखेंगे एरर, नेशनैलिटी कैन नॉट बी पाकिस्तान, क्योंकि किसी फ्रेंड्स की नेशनैलिटी पाकिस्तान है और जो कि नेशनैलिटी हो नहीं सकती है। इसीलिए जो इनम का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि अब आपकी वेबसाइट कोई पाकिस्तान वाला बंदा एक्सेस कर ही नहीं सकता है। तो कुछ इस प्रकार से अभी अगर केवल मुझे आईडी और नेम चाहिए होगा तो वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। ये देखो नेशनलिटी इंडिया, नेम और उसका जो फ्रेंड है वो है ID2 जिसका नाम है मुस्कान और ID5 जिसका नाम है श्रुति। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं कि जो शिवम नाम का लड़का है उसकी दो फ्रेंड है मुस्कान श्रुति। थोड़ा सा आप नीचे अगर आओगे तो अपना एक और फ्रेंड्स है मियामी नाम से, नेम नाम और उसका जो फ्रेंड्स है उस फ्रेंड्स के वैल्यू नल है, यानी कि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। उसके बाद नीचे अपने पास सारा आती है, सारा के अंदर इंडिया की नेशनलिटी है इसकी और इसके फ्रेंड्स के अंदर एक ही है जिसका नाम है, और इसके बाद जर्मनी, रेफे, और रेफे का जो फ्रेंड्स है कुछ भी नहीं है, चील, चील का कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, जिसका फ्रेंड है वो मिल जाएगा, जिसका फ्रेंड्स नहीं है उस जगह पे आपको वैल्यू नल मिल जाएगी। तो इतना इजीली था अपना इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस, फ्रेंड्स का परफॉर्मेंस लगाना कि आप फ्रेंड्स को इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था यूजर्स में कि अगर आपको यूजर्स निकालना था तो आपने इस तरीके से यूजर निकाल दिए, लेकिन अगर कोई सिंगल यूजर निकालना है, एक अकेला यूजर अगर आपको निकालना है अपने इसी में से, डेटा में से, तो किस तरीके से निकालोगे? बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी का नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे यूजर नाम दिया और मैंने बोला कि यूजर के अंदर जब तक आईडी आएगी उस आईडी का होना कंपलसरी है ना। इसके बाद फिर आपने बोला कि उसके रिटर्न टाइप में क्या जाएगा, रिटर्न टाइप में अपना जाएगा यूजर, जो आपका यूजर है ये वाला यूजर जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको कंपलसरी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कंपलसरी क्यों नहीं करना चाहिए, कंपलसरी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मान के चलो उसने आईडी गलत पास कर दी, उस समय भी आप उसको यूजर भेजने की कोशिश करोगे क्या? नहीं ना, वो गलत हो जाएगा ना काम। तो आप यहाँ पे भेज भी सकते हो, नहीं भी भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी चलो अभी नहीं भेजते हैं या भेज देते हैं क्योंकि अपने को यहाँ पे चेक करना है और चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए तो भेजना जरूरी है। इसके बाद रिजॉल्वर के अंदर आएंगे, इसी के लिए अपन को रिजॉल्वर के अंदर बनाना है कि किस तरीके से इस चीज़ को आप परफॉर्म करके बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा, जिस तरीके से आपने यूजर्स का बनाया था यहाँ पे कॉमा लगाना है और अपना यूजर का बनाना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आर्गूमेंट का, ग्राफक्यूएल के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जैसे ही किसी फंक्शन के अंदर किसी आर्गूमेंट को लेना है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आर्गूमेंट नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला वाला उसको लिखना पड़ेगा, मतलब जो ऑर्डर के अंदर चलता है, जितने भी इसके आर्गुमेंट हैं, जितने भी इसके पैरामीटर पास किए जाते हैं वो सारे एक ऑर्डर में रन करते हैं। तो इसीलिए पहला जो इसका आर्गुमेंट होता है वो होता है पेरेंट। पेरेंट क्या है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका अभी यूज केस नहीं है। तो जब इसका यूज केस होगा तो मैं डेफिनेटली इसको बताऊंगा और इसको मतलब अपन थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, कब, जब एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल पढ़ना शुरू करेंगे ना तब पेरेंट को एक्चुअल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक होता है आर्गुमेंट। अब इस आर्गुमेंट के अंदर क्या है,
आर्गुमेंट क्या है कि जैसे आपने टाइप डेफ के अंदर इस यूजर नाम के वेरिएबल मतलब ये क्वेरी के अंदर आपने जो आईडी पास किया है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल आप पास करते हो, यहाँ पे जो वेरिएबल आप पास करते हो वो आपको इस आईडी नाम मतलब आर्गुमेंट नाम के वेरिएबल के अंदर मिल जाता है। ठीक है, इतना सा यहाँ पे खेल होता है इसका पूरा। इसके बाद आपको यहाँ पे आईडी को गेस करना है, तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू आर्गुमेंट डॉट आईडी आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसको अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और आईडी को अगर मैं दिखाऊं, तो इस तरीके से आपको आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं दोबारा से एक और नई क्वेरी बनाता हूँ, पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट किया और यहाँ पे एक नई क्वेरी बनाई, क्वेरी यूजर नाम से या फिर गेट यूजर नाम से बना दी और यहाँ पे इसको इस तरीके से पास कर दिया। और यहाँ पे यूजर वाली चाहिए तो इस तरीके से, अब यहाँ पे देखो यूजर की आईडी, यहाँ पे वेरिएबल आप पास करते हो, इस तरीके से आप वेरिएबल पास करते हो तब जाके आपकी जो यूजर की यूपीआई है वो वहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे नेम चाहिए मुझे केवल बस। तो अगर मैं इसको रन करूँगा अभी डेफिनेटली एरर आएगी, लेकिन आप यहाँ पे अगर जाओगे कंसोल के अंदर तो आप यहाँ पे देखो वैल्यू आपको मिल चुकी है, ये जो आपने आईडी की वैल्यू कराई थी वो आईडी की वैल्यू आपको बन मिल चुकी है। तो यहाँ से जो वैल्यू आप पास करते हो वो वैल्यू आपको यहाँ पे इसकी मदद से आप एक्सेस कर सकते हो, ये चीज़ मुझे बतानी थी। अब यहाँ पे एक पैकेज का यूज करेंगे अपन, यहाँ पे मैं एक नया खोलता हूँ जिसके अंदर npm i lodash नाम से LODASH लोडास नाम से एक पैकेज है, इस पैकेज के अपने को यूज करना है। लोडास इंस्टॉल होने में ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि बहुत ही छोटा सा पैकेज है। और इसको मैं कर देता हूँ नीचे और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिक्वायर और इस रिक्वायर के अंदर मैं क्या करूँगा लोडास को ले लूँगा। अब लोडास अपनी कहाँ पर मदद करता है, लोडास अपने को मदद करता है उस जगह पर कि आपका जो यूजर लिस्ट है उस यूजर लिस्ट के अंदर से आपको इस आर्गुमेंट के अंदर जो आईडी आ रही है इस आईडी के बेस पे आपको सर्च करना है, फिर आपको उस पर्टिकुलर यूजर की वैल्यू को रिटर्न करना है। तो वो सर्चिंग के लिए आपको क्या करता है, लोडास आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नाम से यहाँ पे वेरिएबल बनाया और आपने बोला कि मैं लोडास का यूज करूँगा और डॉट फाइंड मेथड लगाऊंगा यहाँ पे डॉट फाइंड, और इसके जो पहला आर्गुमेंट होता है वो होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन आपने दे दिया कि यूजर लिस्ट नाम का एक कलेक्शन है यानी कि एरे है, उस एरे के अंदर आप सर्च करो किसके बेस पे, आईडी के बेस पे, आईडी के बेस पे सर्च करो। अब यहाँ पे आपने देखा कि आईडी जो है यहाँ पे आईडी टाइप की है ना, आईडी जो आईडी टाइप की होती है ना उसकी एक विशेषता होती है ग्राफक्यूएल के अंदर कि आईडी नंबर भी हो सकती है स्ट्रिंग भी हो सकती है, लेकिन अभी अपने को जरूरत है नंबर की। तो क्योंकि आईडी नंबर नहीं होगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में अपने पास आएगी, तो अपने को उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नंबर वाला मेथड होता है इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे इस आईडी को आप पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आईडी को मैच कर दिया जाएगा और यूजर अपने को मिल जाएगा और यहाँ से रिटर्न करा देंगे उस यूजर की वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को काम करना है। अभी एक बार मैं दोबारा चेक करते हैं, अगर यूजर की आईडी बन जो है पास की कर रहा हूं मैं, जैसे मैं गेट यूजर के ऊपर क्लिक करूंगा ये देखो नेम शिवम आ चुका है। इसकी आप आईडी भी निकाल सकते हो और इसका आप नेशनैलिटी भी निकाल सकते हो, इसकी आप एज भी निकाल सकते हो और भी जितनी चीज़ें, फ्रेंड्स भी आप निकाल सकते हो, इसका फ्रेंड्स का भी आप नेम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो आईडी बन हो चुकी है और फ्रेंड्स के अंदर इसका मुस्कान और श्रुति निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका पूरा काम कर सकते हो। यूजर आईडी अगर मैं यहाँ पे फोड़ दे दूंगा, इसके बाद अगर मैं चलाऊंगा तो राफी निकलेगा आईडी और इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसकी नेशनलिटी भी पूरी डिटेल निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको सिंगल यूजर निकालना है तो इस तरीके से आप सिंगल यूजर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, अब एक चीज़ तो आपने पता कर ली, अब जैसे यहाँ पर आओ, यहाँ पर तो सिंगल स्कीमा था ना, यूजर वाला ही सिंगल स्कीमा था। अब अगर एक से ज़्यादा स्कीमा है तब आप किस तरीके से काम करेंगे और क्यूरी जो है वो किस तरीके से आएगी उसके बारे में बात करें। एक से ज़्यादा स्कीमा हो सकते हैं और बहुत ही इजीली हो सकते हैं। जैसे मैं एक नया स्कीमा बनाता हूँ मूवी नाम से, मैं यहाँ पे मूवी नाम से एक नया स्कीमा बनाया और इस स्कीमा के अंदर क्या है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इसके अंदर आईडी है,
और इसके बाद इसके नेम हो सकता है, तो इसका नेम है जो कि स्ट्रिंग है, और इसका ये इस आईडी और नेम तो मतलब कंपलसरी ही रहता है। और इसके बाद अपना इसका हो सकता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, हो सकता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन किस साल के अंदर इसको पब्लिकेशन में लाया गया था, ठीक है। इसके बाद ये हो सकता है इंटीजर, ये अपना इंटीजर होगा कि किसी ना किसी साल के अंदर इसको लाया गया होगा। इसके बाद अपना एज इन थिएटर करते हैं, एज इन थिएटर्स, अभी ये थिएटर्स के अंदर है या नहीं है इस चीज़ का मालूम करना है, तो अपने को यहाँ पे बूलियन देना है। तो मैंने यहाँ पे दिया कि ए या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो ट्रू और फॉल्स के रूप में है। ये आपने क्या किया, नया स्कीमा डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर आपको क्वेरी लिखनी है तो किस तरीके से लिखोगे, बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से आपने यूजर्स और यूजर के लिए लिखा, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसके लिए लिख सकते हो। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मूवीज के मुझे सारी जितनी भी मूवीज है वो सारी मूवीज मुझे चाहिए, फिर मैं बोल दूंगा रिटर्न टाइप उसका होना चाहिए मूवी, और इस तरीके से मैं उसको कंडीशनल दे दूंगा, या फिर इस तरीके से मैंने उसको बना दिया कि होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। इसके बाद मूवी वाला बनाया मूवी के अंदर, अब मूवी के अंदर आईडी के बेस के ऊपर नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, जैसे आपको थोड़ी मालूम होगा कि उसकी आईडी क्या है, जैसे मैं अगर कोई मूवी देखने जाता हूँ मुझे थोड़ी मालूम उसकी आईडी क्या है, मुझे तो केवल ये मालूम है उसका नेम क्या है। तो मूवी को अपन करेंगे नेम के बेस पे, तो यहाँ पे नेम, और वो नेम होना चाहिए स्ट्रिंग, और एक कंपलसरी कंडीशन है स्ट्रिंग होना ही चाहिए, और रिटर्न टाइप में आप उसको फिर से मूवी कर देना। ये भी आपके ऊपर है कि यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप नहीं करना चाहते तो वो भी मत करो, लेकिन अभी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया, यूजर हो गया मतलब स्कीमा हो गया, और स्कीमा के फिर उसके बाद उसकी क्वेरी को आपने परफॉर्म कर दिया। अब इसकी क्वेरी को रिजॉल्वर के अंदर किस तरीके से लेना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस तरीके से आपने यूजर और यूजर की क्वेरी को लिखा, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आपको मूवीज और मूवी की तरीके को लिख देना। अब लेकिन अपने पास जिस तरीके से यहाँ पे यूजर लिस्ट था, उसी तरीके से अपने पास एक मूवी लिस्ट भी होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस यूजर लिस्ट को मैं इस तरीके से करता हूँ, इसके नीचे एक देता हूँ मूवी लिस्ट नाम से। मूवी लिस्ट है जिसके अंदर बाहुबली, गजनी, खिलाड़ी, द कोडर नाम से मूवी है, और मैंने यहाँ पे मूवी लिस्ट यहाँ पे दे दी, ठीक है। और इसके यहाँ पे देखो ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एज इन थिएटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब अगर रिजॉल्वर्स के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यूजर लिस्ट के बाद जो मूवी लिस्ट है उसको भी आपको लेना है इस तरीके से। इसके बाद मूवीज वाला जो आपको बनाना है वो किस तरीके से बनाओगे, आप वहाँ पे लिखोगे मूवीज, और इसके बाद आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया और इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे तो आपको बहुत ही सिंपल है, इस जगह पे आपको रिटर्न कर देना है, और जो मूवी लिस्ट है वो चीज़ आपको यहाँ पे रिटर्न कर देनी है। इसके बाद बात आती है मूवी का, मूवी किस तरीके से बनेगा, तो सिंगल मूवी के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मूवी लिखना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको पास कर देना। अब जो चीज़ यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे देना है कि आपको पेरेंट और आर्गूमेंट दो चीज़ें यहाँ पे आपको पास करनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप निकालेंगे नेम को, नेम इक्वल टू आर्गुमेंट में से मैंने नेम को निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे आप नेम को पास कर रहे हो, यहाँ पे टाइप डेफ के अंदर आओ, मूवी के अंदर आपने नेम पास किया है, तो आपने नेम को निकाल दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्स्ट मूवी नाम से यहाँ पे वेरिएबल बनाया, और आपने बोला कि मैं यहाँ पे इस लोडास का यूज करना चाहता हूँ। फाइंड मेथड एक इसके ऊपर लगेगा, ये लगेगा अपना मूवी लिस्ट के ऊपर, और आपने यहाँ पे दिया एक कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे जो मूवी जितनी मूवी हैं उन मूवी के अंदर आप क्या कर दो, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे फाइंड मूवी लिस्ट, और आपने इस तरीके से यहाँ पे नेम के बेस पे उसको निकालना है, तो जितने नेम आएंगे उसके बेस पे आपको निकालना है, तो ठीक है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया, इस तरीके से भी कर सकते हो वैसे आप, नेम नेम इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने पास फीचर होता है कि अगर सेम की वैल्यू पेयर है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए। इसके बाद आपने यहाँ पे रिटर्न इस मूवी को कर देना है, ठीक है। तो इतना इजीली आपने क्या कर दिया, इसको परफॉर्म कर लिया। अभी चेक करते हैं कि क्या ये मूवी और मूवी लिस्ट दोनों बराबर बराबर तरीके से अपने काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट।
और यहाँ पे एक मूवीज नाम से बनाता हूँ, क्यूरी गेट मूवीज, और यहाँ पे इसको जो मूवीज है इसको मैंने देना है, और इसका नेम निकालूंगा और एजेंट थिएटर्स निकालूंगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो अगर मैं जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैन नॉट रिटर्न नल और नल ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अंदर किसी वैल्यू की वैल्यू नल है, तो यहाँ पे मुझे नल, तो डेटा के अंदर आते हैं ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे 2000 ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अंदर किसी भी वैल्यू तो नल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर आई है, इस वेरिएबल को हटाते हैं सबसे पहले तो। ओके, नो 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 नो, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, रिजॉल्वर के अंदर आपने यहाँ पे मूवीज फंक्शन, और मूवीज फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे रिटर्न मूवी लिस्ट बिल्कुल सही किया है, फिर भी एक बार मैं चेक करता हूँ, मूवीज नेम यहाँ पे कैन बता रहा है, कैन नॉट रिटर्न मूवी डॉट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है मुझे यहाँ पे। एक्चुअल में एरर कुछ नहीं थी, वो क्या था कि यहाँ पे जो अपना ओ था ना, ए वाला, यहाँ पे कैपिटल था, तो ये कैपिटल होने की वजह से वहाँ पे ये एरर आपको देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अभी मैंने सही कर दिया है, तो यहाँ पे ये वाली एरर अपनी जा चुकी है। तो अभी ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। आईडी आपको चाहिए तो आप इस तरीके से आईडी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मूवीज और मूवी का भी आपने इस तरीके से बना लिया। तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें तो आपने कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, कि जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाता हूँ, फेवरेट मूवी नाम से, मूवीज नाम से मैंने यहाँ पे बनाया, और मैं इसको कॉपी कर लूँगा क्योंकि यहाँ के स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसको मैं बोलूँगा कि ये जो फेवरेट मूवी है मूवी टाइप का होना चाहिए। अब इसको मैं कंपलसरी कंडीशन नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा बना दिया। तो अब बात ये आती है कि अब जो फेवरेट मूवी है, ये जो फ्रेंड्स वाला आपने बनाया था ना यहाँ पे यूजर टाइप का, तो डेटा के अंदर आप जाके देखो, आपको फ्रेंड्स वाला इसके अंदर डालना पड़ा, यानी कि अगर आपने फ्रेंड्स वाला नहीं डाला तो वहाँ पे फिर आपको वो डेटा नहीं मिला। तो अगर आपको फेवरेट मूवी वाला बनाना तो आपको फिर से जाना पड़ेगा, फिर से डेटा के अंदर वो डेटा को डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो आप क्वेरी दे रहे हो, इस क्वेरी को अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ से क्वेरी नहीं देता हूँ, मतलब फेवरेट मूवी के लिए अलग से क्वेरी नहीं लिखता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूँगा, जो अपने पास यूजर है, इसी यूजर के अंदर मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक चीज़ है फेवरेट मूवी नाम से। अब इस फेवरेट मूवीज नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और क्या कर लूँगा, यहाँ से मैं रिटर्न करना चाहता हूँ किस चीज़ को, मैं यहाँ पे बोल दूंगा डॉट फाइंड, और किस में से फाइंड करना है, मुझे करना है मूवी लिस्ट में से, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने बोल दूंगा कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर मुझे सारी मूवी मिल जाएंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि जितनी भी मूवी हैं और इस मूवी के अंदर जितना भी ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, इस जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, 2000 से ऊपर, एंड लेस देन इक्वल टू, एंड मूवी, इसको नाम देना था मूवी डॉट ईयर ऑफ पब्लिकेशन लेस देन इक्वल टू कितना है अपना है 2010। मैंने इस तरीके से बता दिया कि वो वाली मूवी दे दो जो 2000 से 2010 के बीच में हो, वही सारी मूवी अपनी क्या हो जाएंगी, फेवरेट मूवी मानी जाएंगी। तो अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा, और जो यूजर्स वाला था ना, यूजर्स के अंदर अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं यूजर्स वाला निकालते हैं यहाँ पे, गेट यूजर, चलो ये वाला निकालते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं यूजर्स वाला, इसके वाले को अनकमेंट करते हैं यूजर्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स के बाद अपने पास है एक फेवरेट मूवी, और इसके बाद अपने को एजेंट थिएटर्स और उसका नेम निकालना है, ठीक है। और अभी देखते हैं, तो अभी ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज नॉट डिफाइन, किसके अंदर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज नॉट डिफाइन ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, ओ यहाँ पे इस तरीके से मैंने दे दिया, इसको मूवी डॉट देना था यहाँ पे, मूवी डॉट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और यहाँ पे ठीक है। अभी चलते हैं, अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट
एक्सपेक्टेड रिट्रीवल बट डिड नॉट फाइंड वन फोर फील्ड यूजर डॉट फेवरेट मूव। एरर कुछ नहीं है, वो मुझसे यहाँ पे फाइंड मेथड लगा है, इसको अपने को फिल्टर करना है। फाइंड का मतलब होता है कि वो एक मूवी निकालना है कि इसके इनके बीच में करना, फिल्टर का मतलब होता है कि इन केवल वो वाली मूवी निकालना। और वो जो फाइंड मेथड था वो गलत तरीके से मेरे से अप्लाई हो गया था, लेकिन अगर फिल्टर मेथड लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स और फेवरेट मूवी भी अपनी आ चुकी है, गजनी और खिलाड़ी जो है 2000 से 2010 के बीच में अपनी लगाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो फेवरेट मूवी है वो लग जाए निकल के आ जाएगी। लेकिन ये जो मुझसे गलती हुई थी फाइंड मेथड, वही मैं सोच रहा था कि मुझसे गलती क्या हो गई अचानक से, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई की है आपने। फिल्टर मेथड यहाँ पे लगाना था अपने को, मतलब जो मूवी है इन दोनों के बीच का फिल्टर करना था कि 2000 से लेके 2010 तक के बीच में जितनी मूवी रिलीज हुई है केवल वो मूवी आपको ला के देनी है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए फिलहाल तो इतना ही है, और अगली वीडियो के अंदर अभी जो कॉन्सेप्ट है ग्राफक्यूएल के, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, म्यूटेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। देखो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा या आप इंस्टाग्राम पे आके कुछ बता सकते हो कि कुछ चेंज अगर करना है तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने कोशिश तो मैंने ये की है कि हर एक चीज़ आपको डिटेल में बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप एक बार आप ग्राफक्यूएल की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी बन गई तो डेफिनेटली आप उसको बेहतर तरीके से और स्केल अप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।